छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने भाषण दिया है, वर्ल्ड फूड मेगा इवेंट की आज शुरुआत हो गई है, क्या कहेंगे? बहुत बड़ा आयोजन है और प्रधानमंत्री जी का जो आज प्रेरणादायक भाषण था उसमें उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कितना पोटेंशियल है, कितनी संभावना है और कितने प्रकार के लोग, यानी खासतौर से उन्होंने एक उदाहरण दिया कि ट्रेन में 10 लाख से ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं तो कितनी संभावना है कि ट्रेन में, प्लेन में और जो अलग अलग राज्य के अलग अलग व्यंजन हैं, अलग अलग खाने हैं और कितना प्रोडक्शन स्टेट में होता है, तो वो चाहे फिशरीज़ का हो, एग का हो, वेजिटेबल का हो, पैक्ड फूड का हो, प्रोडक्शन का हो, अलग अलग सेक्टर में बहुत संभावना है, कोल्ड चेन बनाने का है, प्रोडक्शन बढ़ाने का है, तो ये संभावनाओं का दोहन करेंगे तो लाखों करोड़ों को रोज़गार मिलेगा और ये निश्चित रूप से ये बहुत उपयोगी होगा। पूरे देश और दुनिया के लोग आए हुए हैं, इतना बड़ा वर्ल्ड फूड का जो एग्जीबिशन होगा, जो वो भी अपने आप में लोगों को आकर्षित करेगा, अलग अलग देश में क्या हो रहा है फूड प्रोसेसिंग में उसकी भी जानकारी हो। सर, एक आखिरी सवाल, छत्तीसगढ़ में आगे सर क्या देखने को मिलेगा? छत्तीसगढ़ में संभावना बहुत है और ख़ासतौर से हम नए क्षेत्र में फिशरीज और दूसरे में भी कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर में भी काफ़ी बड़ी संभावना है। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन पंकज के साथ दिल्ली से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।